मस्ती भी थी, म्यूजिक भी था, जागरूकता का संदेश के लिए इवेंट्स भी थे, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए योगा भी था। मंच से अलग अलग कलाकारों की आवाजें भी आ रही थी। हम बात कर रहे हैं भिवानी में आयोजित राहगीरी डे कार्यक्रम का, जिसमें पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया व सामाजिक समरसता का संदेश दिया। को बढ़ावा देना और लोगों में आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना, इसी कड़ी में पूरे हरियाणा भर में ये हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज भी हमने भिवानी पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और इससे हम लोगों का भी, जो भी आयोजक हैं, इनका भी मनोबल बढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और इससे भी बेहतर राहगीरी भिवानी जिले में देखने को मिलेगी। पुलिस जो है सर, कहीं ना कहीं तनाव में रहती है, अगर जाँच करवाई जाए, मेडिकल परीक्षण करवाए जाए, तो कहीं ना कहीं काफ़ी तनाव में वो लोग दिखाई देंगे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम आपको नहीं लगता रामबाण साबित होंगे अगर पुलिसकर्मियों की बात करें? देखिए, हम उम्मीद जो भी कोशिश करते रहते हैं कि पुलिसकर्मियों में तनाव जो किसी प्रकार से कम हो, थोड़ा सा कार्य की प्रकृति की वजह से भी ऐसा होता है और थोड़े ड्यूटी ओवर्स ज़्यादा होने की वजह से भी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हम आयोजित करवा रहे हैं, इससे ज़रूर कुछ सुधार आएगा। हमारे भिवानी पुलिस प्रशासन द्वारा राहगीरी प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन मेरी लोगों से और अपील करता हूँ कि मैं भिवानी वासियों से सभी से कि बहुत ज़्यादा संख्या में आकर के भाग लें और जिससे कि तनाव मुक्त रहें। राहगीरी प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि तनाव मुक्त रह करके और समरसता और स्वच्छता का सफाई का ध्यान रखें। इसी प्रयास के द्वारा हमारी आगे भी एक कोशिश रहेगी, हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अच्छा आयोजित करने के लिए हम जो भी हमारे प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा जो भी सराहनीय कदम उठाया जाएगा वो हम आगे उठाएंगे। मैं शास्त्री की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय झज्जर में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ राहगीरी प्रोग्राम में आई थी और मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डांस भी था, म्यूजिक भी थी, खेल मस्ती भी थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम थे और जो बच्चे बड़े सब कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया।